दक जी हीरालाल आए और माला फाला का कोई नहीं, सम्मान के साथ हमारे दीपनाल का स्वागत किया जाए और दो स्वर के लिए हम विधायक जी से कहेंगे कि आप केवल दो दर के लिए टीका करते हुए आइए। दक जी केवल टीका कर दें क्योंकि ये मंच है। हाँ ये अध्यक्ष है। भगवान के चरणों में नमन। मंच पे विराजमान हमारे बीच में पूरे प्रदेश में भगवान के संकीर्तन को जवाबी कीर्तन में बदलकर लोगों को भगवान की महिमा के अद्भुत रूप सुनाने वाले हमारे दोनों बाहर से मेहमान कलाकार, उम्र छोटी है पर तेजी बहुत है, अच्छा है, सुंदर है, सचदेवा जी, हमारी बहन जी कमल ज्योति जी बारामंकी से आई हैं। अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से भगवान के इस दरबार में इनका हृदय से स्वागत, ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए कि भगवान के इस पावन धाम पर बारामंकी से चलकर हमारे बीच में आए हैं। सचदेवा जी कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कानपुर बारामंकी बार बार से लोग आए। भगवान की महिमा अद्भुत है और ये हमारे जवाबी कीर्तनकार तो इतनी रिसर्च करते हैं वेद शास्त्रों को मिलाकर, तुलसीदास जी से लेकर वाल्मीकि जी की रामायण के प्रसंगों को उठाकर सजोकर अद्भुत कहानी सुनाते हैं और ये बिना अध्ययन किए संभव नहीं है सुना पाना। हम लोग तो अपनी जो बातें संत जनों से, शास्त्रियों से सुने हैं उससे जोड़कर कुछ बातें आपके बीच में रखते रहे हैं। भगवान की लीला या भगवान की कथा सुनने में व्यथा सी लगती है लेकिन कहते हैं कि इस कथा श्रवण मात्र से हमारे जीवन की बाधाएं दूर होती है और संकीर्तन अमृत किया गया है कि इसके पान से करने से, सुनने से जीवन धन्य होता है। मैंने ये बातें इसलिए कही हैं कि भगवान की कथा व्यथा कि हमारे भगवान का रूप कितना अद्भुत है, स्वरूप कितना अद्भुत है, व्यवहार कितना अद्भुत है, उससे हमारे जीवन से बड़े गहरे रिश्ते हैं। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हम भगवान की पूजा बहुत करते हैं पर जाने की हो रही, पूजा कम करने वालों पे कृपा ज्यादा हो रही और पूजा करने वालों पे कम हो रही, ये शिकायत अक्सर लोग करते हैं। तो कहीं हम इस बात की कोई गलती तो नहीं कर रहे? जो मैंने अपने जीवन से अनुभव किया कि भगवान की पूजा और भगवान के व्यवहार में क्या फर्क है। कहते हैं हमारे भगवान राम को राज्य तिलक होने जा रहा था और सौतेली माँ ने उन्हें वनवास मांग लिया, वचन पिता को दिया था उन्होंने, वचन माता का था वो भी सौतेली, लेकिन कहते हमारे भगवान राम एक पल में राजपाट छोड़कर वनवास चल दिए थे। ये प्रसंग हमें क्या सिखाता है कि हमारे जीवन में मां कितनी आदरणीय है। ये प्रसंग सिर्फ इसीलिए है, जो व्यक्ति अपनी मां की बात का आदर नहीं करता, पूजा कितनी भी कर लो भगवान की कृपा के पात्र नहीं हो सकते आप। अगर आप अपनी मां की बात का आदर करोगे तो स्वतः भगवान राम की कृपा साथ चलनी है आपके, पूजा भले ही छोटी कम कर लेना आप। कैसा हो भाई, वनवास जा रहे थे राम, लक्ष्मण जी साथ चल दिए। जो भाई अपने भाई से प्रेम रखेगा भगवान राम की कृपा सदैव उसके साथ चलनी है। सारे प्रसंग इसी से जुड़े हैं। भगवान की अद्भुत लीलाएं जाने क्या क्या सिखाती चली गई। जिंदगी की किसी भी मुसीबत और समय में आप हो तो भगवान की कथा जरूर स्मरण कर लो एक बार। छोटी सी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, घबरा लगता आदमी। बताओ भगवान से बड़ी मुसीबत है 14 साल वनवास चले गए राजपाट छोड़कर, कितनी बड़ी मुसीबत झेली है। साल 6 महीने में आए तो पहुंचा दी हाल गया। कहते हैं भगवान
राम के समय जब लौट कर आए राम राज्य स्थापित हुआ, और राम राज्य के विषय में भी जो प्रसंग है लिखा गया है, कहते हैं राम राज्य के समय दरवाजे खोले रहते थे, घरों के दरवाजे खोले रहे, ऐसा राम राज्य था हमारे भगवान राम के जमाने में। लोग कहते हैं राम राज्य लाना है हमें जमीन पे, तो राम राज्य लाने के लिए तो दरवाजे खोले होने की व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। अगर राम राज्य लाना है तो पहले गरीबी मिटानी पड़ेगी गांव से, और जब तक गरीबी नहीं मिटेगी, संपन्नता नहीं आएगी, तब तक राम राज्य कैसे आ सकता है जमीन पर? क्योंकि एक गरीब होगा, एक बड़ा होगा, तो गरीब तो मजबूरी में घुस ही जाएगा घर में, फिर उस गरीब को साधन देने पड़ेंगे कि उसे किसी घर में घुसना ना पड़े। लोग कहते हैं आज कि भगवान राम पैदा हुए हमारी भूमि पर भारत में, लेकिन राम राज्य अमेरिका में है, वहां दरवाजे खुले छोड़कर चले जाओ तो कोई घुसता नहीं, जीरो करप्शन। हमारा भारत कब ऐसा राम राज्य बनेगा? हम भगवान के राम के विषय में और भी बहुत सारी चीजें कहना चाहते हैं। भगवान राम के आदर्शों में क्या चीज छुपी थी? भगवान हमारे राम तो समदर्शी थे, हमारे भगवान राम ने तो सवरी के झूठे बेर खा लिए थे। जो किसी दूसरी जाति से नफरत करेगा वो कभी भगवान राम की कृपा का पात्र नहीं हो सकता, याद रखना। भगवान ने किसी से नफरत के लिए किसी को नहीं बनाया, हमारे पुरखों ने जातियां व्यवस्था के लिए बनाई, स्वभाव देख के बना दी, काम देख के बना दी, यही है ना, काम से ही तो बड़ा था धर्म जाति हमारी। ये बातें मैं इसलिए सुना रहा हूं कि जब तक इन नफरतों से बाहर हम नहीं निकालेंगे तब तक भी धरती पर राम राज्य नहीं ला सकते। इससे निकलने के लिए भगवान ने बहुत सारे चीजें सिखाई। कहते नहीं है, अगर हम शास्त्रों के सार को पढ़ें तो कहते हैं भगवान विष्णु का कुल ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मे थे भगवान विष्णु हमारे। लेकिन एक फिर कहते हैं कि भगवान विष्णु का दूसरा अवतार हुआ, तो कहते हैं भगवान राम के रूप में क्षत्रिय कुल में जन्मे भगवान विष्णु दूसरे अवतार। ये तो परम सत्य बातें हैं, मेरी नहीं है, ये तो सात संगत बातें हैं। तीसरी बात फिर और महत्वपूर्ण है, कहते हैं भगवान विष्णु का तीसरा अवतार धरती पे हुआ द्वापर युग में, भगवान कृष्ण के रूप में यादव कुल में जन्म। ये बात हमने इसलिए नहीं सुनाई कि हम बिरादरी की तारीफ करने आए हमारे बीच में, हमने इसलिए सुनाई है कि भगवान के अद्भुत रूप अवतार विभिन्न वर्गों में जातियों में लिए उन्होंने, इसलिए कि हे मेरे मानने जानने वाले चाहने वाले लोगों, तुम जाति के आधार पर किसी से नफरत नहीं कर लेना। जब वो अपनी बिरादरी रोक पाए, एक बिरादरी दूसरे जन्म में, तो तुमको ठेका लिए घूम रहा जबरदस्ती का। इन नफरतों से बाहर निकालो आप। आदमी पेड़ से पैदा नहीं हुआ, आदमी आदमी से पैदा हुआ। और जिन देशों ने ये जातीय नफरत खत्म की है वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों गौर से सुन लेना, बेचारे गांव के लोगों कुछ नहीं पता है, वही दुनिया पे राज कर रहे हैं जहां जाति नहीं है। जाति नफरत के लिए नहीं बनी थी, सहयोग के लिए बनी थी। कहते नहीं भगवान कृष्ण ने कितना बढ़िया उपदेश दिया, भगवान कृष्ण चाहते तो पल भर में पूरी महाभारत खत्म कर सकते थे, महायोद्धा थे। लेकिन महाभारत जैसे महायुद्ध में भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं किया, सारथी बन गए। इसलिए सुनाइए बात, जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम यदुवंशी भगवान कृष्ण वंशी हैं, याद रखना यदुवंशी वो ही रह सकता है जो किसी गरीब की मुसीबत में उसका सारथी बन जाए। तुम्हें ये भी नहीं भूलना है कि तुम्हारे कुल में कंस भी पैदा हुए, इसलिए कृष्ण के सम्मान के लिए तुम्हें भाव जीवन में बदलना पड़ेंगे, भाव बनाने पड़ेंगे। किसी को भी आदर्श मानो आप, पर उस आदर्श पर उतरने की जरूरत है। राजनीति की कोई बात नहीं करेंगे हम, लेकिन धर्म शास्त्रों में जो राजनीति है उसकी बात तो जरूर करेंगे हम। कहते नहीं राम के समय राम राज लाने के लिए गरीबी भेदभाव मिटाने पड़ेंगे तभी राम राज आएगा। सिर्फ मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आ सकता, भगवान का भाव अपने जीवन में उतार कर उस रूप में ढालना पड़ेगा।
कितना कठोर है राजा का चरित्र, कितनी बड़ी भूमिका है राजा की, देखा आपने। भगवान राम जब सीते चली गई, सीते माँ का हरण हो गया, तो बन बन भटके कितना बड़ा युद्ध हुआ, और कितने बड़े युद्ध के बाद माते सीते को लौटा कर लाए, कितनी खुशियां आई। लेकिन ये भी बड़ी याद करने की बात है कि जब भगवान राम राजा बन गए तो एक छोटे से आदमी की बात पर सीते का भी परताग कर दिया। तो राजा का दिल और दिमाग जनता के प्रति कितना बड़ा होना चाहिए, धरती पे इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए राजा बनना सरल है, पर राजा का व्यवहार निभाना बहुत कठिन है। और यही बात मैं आपसे कहने आया हूं कि जो लोग भी राजनीति में हैं, वो मेरी दूसरी बात पे भी ध्यान दे रहे हैं। कहते हैं द्वापर युग में जो युद्ध हुआ उसके पीछे वजह थी, भगवान ने अंतिम प्रस्ताव रखा कि भैया कुल पांच गांव दे दो, आप पांच गांव दे दो तो लड़ाई रुक सकती है, लड़ाई खत्म हो सकती है, युद्ध नहीं होगा। तो कहते हैं कि दुर्योधन पांच गांव देने को भी तैयार नहीं हुए और महाभारत हो गई पूरी। सात क्षणी ग्यारह क्षणी सेनाएं लड़ गई, लाखों लोगों की जाने चली गई। दो बातें निकल कर आई इसमें, एक ये कि न्याय दिलाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़े, अगर न्याय जिंदा रहेगा तो समाज जिंदा रह सकता है। दूसरी बड़ी बात एक और, आज भी तो आम आदमी अपनी जिंदगी में इन राजनीति में बैठे लोगों से यही तो कह रहे हैं कि भैया कुछ हमारी जिंदगी अच्छी कर दो, कुछ जमीन दिखाओ नहीं मांग रहे, ये तो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम कर दो, जिससे मेरा बेटा भी अच्छी पढ़ाई में लिखकर देश की प्रगति की वजह बन जाए। वो यही तो कह रहा है भैया हमें कोई गांव नहीं चाहिए, हम जो फसल पैदा कर रहे हैं बाकी अच्छी कीमत दे दो, कर्जा से हम बाहर निकल जाए मालिक। तीसरी बात वो कह रहा है कि हमारी संपन्नता से हमारा परिवार जुड़ा है, कुछ हालत ठीक हो जाएगी तो अपनी बेटी को किसी अच्छे घर में विदा कर देंगे, हम अपने जीवन की चीजें मांग रहा है, कुछ और नहीं चाहता वो, कि थोड़ी सी और मेहरबानी कर दो कि हम अगर बीमार हो जाए तो हमारी जमीन ना बिके बल्कि हमारी जान बच जाए। और जब ये चीजें भी नहीं दोगे तब तो महाभारत होगी होगी, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा महाभारत होगी कब, क्योंकि हमारे अंदर के दिल और दिमाग अजीब स्थितियों में है। ये सच्चाई है हमारी कि हम सब मिलकर अपने गांव को अच्छा बनाना चाहते हैं, गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिंदगी के हर तरक्की का सपना अपनी जिंदगी से जोड़ रखा है। लेकिन राजनीति करने वाले लोगों को पता है कि वोट के दिन तुम्हारे मुद्दे ये नहीं है, बिरादरी में बदला जा सकता है, और जब तक तुम बिरादरी में बदलते रहोगे तुम्हारी हालत भगवान भी नहीं बदल सकते, याद रखना मेरी बात को। जिस दिन तरक्की के नाम पर तुम इकट्ठे हो जाओगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी तरक्की नहीं रोक सकती। नौजवान पीढ़ी के लोगों मेरी बात को गौर से सुन लेना, जातीय नफरत थोड़े दिनों के लिए अच्छी है, लेकिन जब तक गांव की गरीबी के खिलाफ विकास के नाम पर हम इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तब तक नेता ऐसे ही राज्य करते रहेंगे। मेरी बातों पर तुम यकीन कर सको तो मेरी सोच के साथ शामिल हो जाना, मेरी कोशिश होगी तुम्हारी तरक्की कैसे हो, कैसे तुम्हारा जल्दी बांध बन जाए, कैसे यहाँ उद्योग लग जाए जो कोशिश हम लोगों ने शुरू की थी, कैसे तुम्हें अच्छी सुविधाएं मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय भगवान की। कीर्तनकारों का अभिनंदन, जनता का अभिनंदन, शानदार लोगों का अभिनंदन, पाल साहब से लेकर पूरी कमेटी का हृदय से। ये हमारे बड़े पाल साहब राधेलाल पाल जी भी आ गए, इनका भी अभिनंदन कि पूरा जीवन गरीबों की लड़ाई लड़े, और मुवंश के सभी आए हुए अतिथियों का अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद, जय भगवान की। प्रधान जी का भी धन्यवाद, ये प्रधान जी भी खड़े, नए वाले प्रधान जी तुम भी आ गए हो, ये सारे कमेटी के लोगों का धन्यवाद, पुराने नए प्रधान अध्यक्ष सब लोग भैया धन्यवाद, आप लोगों को बढ़िया आयोजन कर रहे हो। अभी हम देख रहे थे सूची में, ये हमारे फूफा जी लिख रहे हैं, राजपूत जी हमारे दोस्त हैं पुराने, ये हम लोग जेल में मिले थे संगे,
ये किसी ने 30,000 रुपए, कोई गुलाब सिंह यादव जी है, उनकी दीपा यादव सच क्या बन गई, अच्छा सिलेक्शन हुआ तो 30,000 रुपए दान किए। हमने कहा देखो कितनी बढ़िया बात है कि भगवान के दरबार में कुछ मांग के गए, मिल गया तो आके पूरा उधार चुकता कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दान करके जा रहे हैं। हम भी क्या कह जा रहे हैं, भगवान की कृपा हो गई तो अगला भंडारा मेरी तरफ से होगा। जय भगवान की। हाँ जो अभी